ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का विषय मामा की पालना का है। बड़े खुशी की बात है और गर्व की बात है कि हमारे परिवार का जन्म ही मम्मा द्वारा हुआ है। जैसा कि शायद सुना होगा आप सभी ने कि मम्मा लखनऊ में आई हुई थी और हमारे लौकिक पिताजी क्लास में बैठे थे, तो मम्मा ने बोला कि कौन है जो शिव बाबा का संदेश जन जन को देगा और जिन आत्माओं ने आधा कल्प से वर्षा खोया है वो बाप से अपना वर्षा ले लेंगे। तो जो भी भाई बहन क्लास में बैठे थे वो सब शांत थे। जो हाथ उठा वो हमारे पिताजी का उठा। तो मम्मा ने कहा अच्छा क्लास के बाद मिलना। जब क्लास के बाद मिले तो मम्मा से पूछा मम्मा हम देंगे संदेश, तो मम्मा ने कहा नहीं, जाके अपने घर में चैरिटी बिगिंस एट होम अपने परिवार को ये ज्ञान पहले दो। तो मम्मा के द्वारा ही चित्र मुरली सब लखनऊ से मिला। तो ऐसे ही कहेंगे कि मम्मा निमित्त बनी हमारे पूरे परिवार को बाबा का बनाने में। और जब मैं इस ज्ञान में आई और बाबा के पास गई तो मम्मा जो है, मैंने पहली बार मम्मा को देखा, उसके पहले नहीं देखा था। जब देखा तो मुझे बहुत इतना खींच हुई मम्मा से, इतनी आकर्षण थी मम्मा के अंदर। मम्मा का जो व्यक्तित्व था, मम्मा के चेहरे पे जो तेज था, जो एक सौम्यता थी, वो देख करके लग रहा था कि बस मम्मा को देखती जाऊं देखती जाऊं। और मैं क्लास में बैठ के मम्मा को देखती रही देखती रही। क्या कि ये बच्ची तो बहुत जैसे तो प्यासी है। फिर मम्मा ने मुझे बुलाया और मम्मा ने जब बुलाया तो बाबा ने परिचय कराया। तो मम्मा कहती है कि दुनिया के अंदर माँ बच्चे को बाप का परिचय कराती है और यहाँ बाप माँ का परिचय करा रहा। ये वंडरफुल बात है ड्रामा में। तो बाबा ने मेरा पूरा परिचय मम्मा को दिया कि मैं कैसे ज्ञान में आई, कैसे बाबा लेके आए। तो बाबा ने सारा मम्मा को सुनाया। तब मुझे भी लगा कि बात तो सही है कि माँ ही बच्चों को परिचय कराती है पिताजी का, पिताजी की गोद में देती है। लेकिन यहाँ पिताजी अपने बच्चों का परिचय माँ से करा रहे हैं। तो मम्मा ने एकदम मुझे आगे बुलाया और बुला करके मेरा हाथ पकड़ के गोदी में बिठा लिया। बहुत प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि आंसू आ गए। तो फिर मम्मा जो थी, मैंने अनुभव किया जैसे कि मम्मा के अंदर एक बहुत शक्ति है। तब सकाश शब्द का ज्ञान नहीं था लेकिन ये लग रहा था कि मम्मा से कुछ हमें ऊर्जा मिल रही है, ताकत मिल रही है। और मम्मा का जो गोद थी, मम्मा का हाथ पकड़ा मैंने, तो लगता था मम्मा कोई रुई की बनी हुई है, फॉर्म की बनी हुई है। हड्डी तो लगी नहीं रही थी कि कोई हड्डी का भी है। तो ऐसे लग रहा था कि बस मम्मा की गोद में बैठे रहें। तो मम्मा एक जैसे शीतला देवी के रूप में शीतल छां आत्मा को महसूस हो रही थी। मम्मा के द्वारा बहुत शीतलता मिली। ऐसे लग रहा था जैसे कोई प्यासे को झरने का ठंडा पानी मिल गया हो, या कोई तपते हुए को एक तरवर की छाया मिल गई हो। तो बहुत मुझे अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। और मैं भी मम्मा की गोदी से नहीं उतर रही थी और मम्मा भी प्यार करती जा रही थी। और ये तो सुना था कि मम्मा जगत माँ है, मातेश्वरी जगत अम्बा है और ब्रह्मा सरस्वती के द्वारा इस यज्ञ की स्थापना, सृष्टि के नवनिर्माण में ब्रह्मा सरस्वती का रोल है। तो
तो सरस्वती माँ जो विद्या की देवी, तो मुझे भी लगा कि मम्मा इतनी प्यारी है, अच्छी है, तो साथ साथ इसी कारण ही बाबा ने मम्मा के सिर पे ज्ञान अमृत का कलश रखा। और मम्मा को जब मैं देखा तो मुझे ऐसे ही महसूस हुआ कि मेरे को कल्प कल्प ये माँ मिल गई है, यही मेरी माँ है। और अपनी लौकिक माँ तो याद भी नहीं आई, कोई नहीं याद आया।